नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यूज़ली एनिमे में। एक बैडएस एनिमे के एक बैडएस रिव्यू के साथ मैं लौट आई हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओए ताकि इंट्रो लगा यार। टोक्यो रिवेंजर्स 2021 सबसे बैडएस एनिमे, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एक बैडएस स्टोरी लाइन, खूबसूरत लड़कियां, बैडएस कैरेक्टर्स और बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस और टाइम ट्रैवल। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये एनिमे नहीं देखने वाली थी। मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि लोग इसे कंपेयर कर रहे थे इरेज के साथ एंड मुझे लगा इसकी स्टोरी से लेकर इसका कॉन्सेप्ट सब सारा इरेज की तरह होगा, तो मेरा इससे इंटरेस्ट ही हट गया था। बट जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा, फिर मैंने सेकेंड देखा, तो मुझे पता चला कि इसका तो इरेज से कोई लेना देना है नहीं ज़्यादा। तो मतलब लोग इसको जो ये कंपेयर कर रहे हैं, ये फालतू में कंपेयर करें, क्योंकि इसका कुछ भी इरेज से कुछ लेना देना है नहीं। टोक्यो रिवेंजर्स एक एक्शन एंड साइंस फिक्शन एनिमे है, जिसे लिखा है केन वाईक्यू ने। एनिमेटेड बाय लेडन फिल्म्स, ये ऑनगोइंग एनिमे है जिसे आप म्यूज एशिया पे देख सकते हैं। टोक्यो रिवेंजर्स नाम से ये पता चलता है कि ये एनिमे इंडियन मूवी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। अरे यकीन नहीं होता, लो खुद ही देख लो। मेरा बदला बदला द रिवेंज मिशन बदला और मेरा फेमा कसम बदला लूंगा। हमें एनिमे के शुरू में ही ये बता दिया जाता है कि इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट एक नालायक है जिसका नाम ताकेमिची है। जिसका नाम ताकेमिची है, हाँ ये सही है, जिसको लाइफ से कुछ खास लेना देना है नहीं। सुबह उठा, काम पे गया, घर आया, सो गया। इसकी लाइफ इतनी बेकार है कि गली के बच्चे भी इसे नहीं छोड़ते हैं, इवन वो भी इसे छेड़ते हैं। पर एक दिन टीवी देखते वक्त उसे पता चलता है कि उसकी हिना नाम की दोस्त का एक्सीडेंट हो चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके अगले ही दिन वो यही सारी बातें सोचता रहता है कि उसकी लाइफ में अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगल है। कोई उसको ट्रेन की पटरी के आगे फेंक देता है एंड उसको लगता है उसके बचने के अब कोई भी चांसेस नहीं है। वो जल्द ही प्रभु को प्यारे होने वाले हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो पहुंच जाता है अपनी स्कूल लाइफ में, जहां वो एक छापरी होता है और गुंडागर्दी करता रहता है। शुरू में उसको लगता है कि वो किसी सपने में है, वो जल्दी उठ जाएगा उस सपने से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और उसको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, ये कोई सपना नहीं है। उसके बाद उसे याद आता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम हीना था, और इस नालायक को ये भी याद नहीं था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। उसे ये सब याद आने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और उसको मिलते ही उसको फील होता है कि उसकी लाइफ में उसने क्या खोया है, क्या उसके पास था और अब नहीं है। उसके फौरन बाद वो मिलता है हीना के भाई से, जिसको हमारा ताकेमिची सारी चीजें बता देता है कि वो कैसे फ्यूचर से आया है एंड ऑल दैट नॉनसेंस वापस। एंड गेस व्हाट, उसका छोटा भाई इन सब में बिलीव कर लेता है। एंड ताकेमिची उसको ये भी बता देता है कि उसकी बहन फ्यूचर में मरने वाली है एंड दोनों एग्री कर लेते हैं कि वो हीना को मरने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वही बोल के वो दोनों जब हैंडशेक करते हैं, तभी ताकेमिची वापस से आ जाता है अपने प्रेजेंट में। हैंडशेक करने से टाइम ट्रैवल होता है, ये तो बिल्कुल सैलमन बॉय को अच्छा ड्राइवर बता देने जैसा हो गया। हाँ बोल ताकि, क्या हुआ? क्या सैल्मन बॉय नीचे गाड़ी लेकर खड़े है और गाड़ी फुटपाथ पे पार्क की है। Two seconds later. इस एनिमे के मेन कैरेक्टर से ज्यादा इसके साइड कैरेक्टर्स ज्यादा बैडएस है, जैसे कि मेरा माइकी। हाय कितना प्यारा है वो। अब बात करते हैं लेडन फिल्म्स के बारे में। ये ज्यादा पॉपुलर एनिमेशन स्टूडियो नहीं है, बट इन्होंने एनिमेशन पर बहुत मेहनत की है। इसका नतीजा ये है कि इसकी एनिमेशन बहुत ही अच्छी है। लेडन फिल्म्स का काम आपने सेको बॉयज फैंटम इन द ट्विंक लाइट में देखा है। इस एनिमे में सिर्फ आपको रोमांस ही नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन, बहुत ही अच्छा एनिमेशन एंड हाँ बहुत ही अच्छे फाइट सीन्स भी मिलेंगे। यह एनिमे सिर्फ मेन कैरेक्टर पर ही नहीं, बल्कि इसके साइड कैरेक्टर्स पर भी इक्वल फोकस करता है। यह एनिमे सारे कैरेक्टर्स के गोल्स एंड उनकी बैक स्टोरीज को अच्छी तरह से हाईलाइट करता है, जिसकी वजह से आप उनसे और भी बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हो उनसे अटैच भी हो जाते हो। इस एनिमे में आपको हर जगह कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। हर एक एपिसोड में एक कैरेक्टर डेवलप होता ही है।
और ताकि मिची के कैरेक्टर से आप कहीं ना कहीं से तो रिलेट कर ही पाएंगे। इसमें मैंने कम से कम स्पॉइल करने की कोशिश की है। चलिए तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो ना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके मुझे बताना कि रिव्यू कैसा लगा। मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओए ओए ताकि आउट्रो किधर है यार, किधर मर गया तू? मैं भागी इस जहान से, इन बातों से, सवालों से, न जानू मैं, न जानू वो। बारिशों में भीग के है मिला सुकून मुझे, तो ले चलो मुझे अपनी दुनिया में।